यहाँ पर पीएच ते रूल देख लो, पीएच स्केल ते रूल देख लो। क्या होंगे? पहला, जब भी पीएच स्केल में वैल्यू ते आ जाए 7 आ जाए, जब भी पीएच स्केल में वैल्यू आ जाए हमारी 7, तो वो होता हमारा प्योर वाटर। क्या होता? प्योर वाटर, या फिर बोल सकते हमारा न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल या फिर प्योर वाटर। जब भी पीएच ते स्केल में क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए हमारी 7, वो होता न्यूट्रल या फिर प्योर वाटर। जब भी पीएच स्केल में वैल्यू 7 से कम आ जाए, 7 से लेस आ जाए, तो हमारा क्या होता? एसिड होता। क्या समझे? जब भी 7 वैल्यू आए तो प्योर वाटर या फिर न्यूट्रल, जब भी 7 से कम आई थी तो हमारा होता एसिड। यहाँ पर हमने एसिड दो तरह से पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग और बीट। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, इन सब के बीच में कोई भी वैल्यू हो वो हमारा क्या होता? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बीट वाले कौन से होंगे? 4, 5, 6, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए वो हमारा क्या होता? बीट एसिड होता। जैसे यहाँ पर ले लो 4.5, हमें बताना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या बीट एसिड है। सिंपल है, ये किसमें आ रहा है? 4, 5, 6 के बीच में आ रहा है, यानी क्या होता हमारा? बीट एसिड होता। नेक्स्ट पर आ जाओ, जब भी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आ जाए, जब भी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आ जाए वो होता हमारा बेस। क्या होता? बेस। यहाँ पर बेस हमने दो तरह के पढ़े थे, बीट और स्ट्रॉन्ग। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर दे दो, बीट वाले में क्या होता? 8, 9 और 10, इन सब के बीच में आ जाए वैल्यू। जब भी वैल्यू 11, 12, 13, 14, इन सब के बीच में आ जाए वो हमारा क्या होता? स्ट्रॉन्ग बेस होता।